का बैकड्रॉप क्या है, क्या इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री को कैसे करेगी मशहूर, क्या दे पाएगी टक्कर बाकी इंडस्ट्रीज को। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बॉलीक्रैक स्टूडियोज में। अरसे बाद लोग देखेंगे फिर से प्रभास को एक लव स्टोरी में। जी हाँ दोस्तों, प्रभास 20 जल्द ही होने वाले हैं रिलीज। प्रभास फैंस के लिए ये मूवी कुछ खास होने वाली है, क्योंकि बाहुबली के बाद कंटिन्यूसली ये अपने सुपरस्टार प्रभास को बतौर एक्शन हीरो लगातार देखते आ रहे हैं। हालांकि प्रभास ने इससे पहले तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन और रोमांटिक फिल्म दोनों ही कर चुके हैं, लेकिन बाहुबली के बाद उनको लगातार एक्शन टाइप फिल्म्स करने के देखने के बाद जैसी नई रिलीज साहो और अपकमिंग रिलीज सलार, जहां वो स्क्रीन शेयर करेंगे केजीएफ स्टार यश के साथ प्रशांत नील के डायरेक्शन में। लेकिन ऐसा क्या हलचल मचाया है प्रभास 20 ने? जी हाँ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्रभास की 20th फिल्म राधे श्याम जल्द ही आ रही है सिनेमा घरों में। वो इस फिल्म में देखा जाएगा पूजा हेगड़े के साथ, और उनके साथ देखेंगे सचिन खेड़कर, प्रियदर्शी मुरारी शर्मा, साशा छेत्री और कुणाल रॉय कपूर जैसे अभिनेता तमिल कॉमेडी साथियन में, और ये फिल्म होगी दिलचस्प। इस फिल्म की बैकड्रॉप ही सबसे इंटरेस्टिंग बात है। 1970s में सेट हुई ये कहानी दर्शकों को सोचने पे मजबूर कर रही है कि इंडियन फिल्म होने के नाते ये कहानी इंडिया या यूरोप से कैसे पहुंची। इसके लिए तो एटलीस्ट फिल्म का ट्रेलर देखना जरूरी है, लेकिन ट्रेलर की जगह रिलीज हुई है फर्स्ट लुक, जिसे देख कर ये समझा जा सकता है कि इंटेंस लव स्टोरी होने वाली है। यहाँ प्रभास एक फॉर्च्यून टेलर का किरदार निभा रहे हैं और पूजा हेगड़े एक राजकुमारी का। तो इन दोनों को किरदारों में लव स्टोरी कैसे डेवलप होने वाली है, ये देखने के लिए उतावले हैं ऑडियंस। जी हाँ दोस्तों, इसकी सिनेमाटोग्राफी और शूटिंग लोकेशन देखकर ये पता चलता है कि हाईली बजटेड फिल्म होने वाली है। लेकिन क्या ये फिल्म कर पाएगी बाहुबली को पार? दोस्तों, बाहुबली ने जो एक्शन सीक्वेंस थे उसके लिए उसे बहुत तारीफ मिली, उसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हिट हुई थी। लेकिन क्या ये सादगी से भरी लव स्टोरी भी बॉक्स ऑफिस में यही धूम मचा पाएगी? ये तो टोटली डिपेंड करता है उसके प्लॉट के पर। लव स्टोरीज ने बड़े बड़े एक्शन फिल्मों को टक्कर दी है बॉक्स ऑफिस में, और ये फिल्म तो इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि इस फिल्म को लोग बाहुबली जितना ही प्यार करें और बॉक्स ऑफिस में भी बिग फाइनेंशियल हिट बने। क्या प्रभास का ग्लोबल स्टारडम चला पाएगा अपना जादू? क्या प्रभास की स्टारडम कर पाएगी इस मूवी को यूरोप में पॉपुलर? अगर ये फिल्म बेहद शानदार फिल्म हुई तो ये इंडियन कॉमेडी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। और हॉलीवुड तो क्या, ये तेजी से बढ़ती हुई साउथ कोरिया को भी के पॉप, के ड्रामा या फिर के मूवीज इंडस्ट्री को भी घमासान टक्कर दे सकती है। तो 30 जुलाई 2021 में राधे श्याम के रिलीज के लिए कितना एक्साइटेड है आप लोग, हमें बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए फिल्म खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल बॉलीक्रैक स्टूडियो से जुड़े रहिए। तब तक के लिए अलविदा।